नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन है। आप इसको स्टॉल में डालें, शॉल में डालें, मफलर में डालें, गर्ल्स की स्कीवी में, जैकेट में डालें, या लेस डिज़ाइन डालने वाला बहुत सुंदर लगता है। देखिए किस तरह से आ रहा है। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं और ये रिवर्सिबल जैसा लगता है, इसलिए शॉल में, स्टॉल में, मफलर में ये बहुत सुंदर बनकर आता है। ये देखिए इसका फ्रंट है और इसका ये बैक है, तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इसके लिए हम इवन नंबर, ऑड नंबर, कितने भी फंदे लें, सब में ये सेट हो जाता है और बहुत सुंदर ये बनकर आता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यहाँ मैंने 16 फंदे लिए, 16। ये मेरे इवन नंबर में फंदे हैं, आप इसको ऑड नंबर में भी ले सकते हैं। जितने भी आपके प्रोजेक्ट में सेट होने हैं उसी तरह से आप इसको सेट कर लीजिए और जो भी फंदे बढ़ाने हैं उसको बैक साइड से बढ़ा लीजिए। तो उसके बेस के लिए फंदे डालकर जो बॉर्डर बनाना है, या आपको सीधा सीधा उल्टा उल्टा जैसे करना है वैसा आप इसका बॉर्डर बना लीजिए। तो आइए इसको बनाना शुरू करें। ये पहला फंदा है। पहला फंदा हमको पर्ल लें, निट लें, वो आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ निट करा है, सीधा लिया है। अब देखिए, ये देखिए फंदा लिया, इसको सिलाई डाली, पर्ल वाइज दो बारी धागा घुमाएंगे, डबल करेंगे इसको। पूरी सिलाई ऐसे ही बनाएंगे, एक दो बारी धागा घुमा लिया, एक बार दो बारी इसको घुमाया। जितने भी फंदे हैं आपके उनको आप ऐसे ही बना लीजिए। ये मैंने बना ली और आखिरी फंदा, इसको उल्टा बनाए या सीधा बनाए आपकी वो मर्जी है। अब ये उल्टी सिलाई आ गई। सीधी सिलाई जो हमने करा है, डबल करा है, थ्रेड को पर्ल वाइज उल्टा फंदा लेते हुए करा है। अभी देखिए पहला फंदा, ये फंदा खोल लिया, उल्टा बनाया, फिर ये फंदा खोल लिया, डबल था ना उसको खोल लिया, थ्रेड को उल्टा बनाया। सारी सिलाई इसमें उल्टी जाएंगी, सीधी कोई सिलाई नहीं है। सारे फंदे ऐसे ही खोल कर और उनको उल्टा पर्ल वाइज बना लेंगे। ये देखिए ऐसे खोल के बनाए चाहे बना के खोलें। ये देखिए बना लिया और ये खोल लिया। बहुत ईजी है, बिगिनर्स भी इसको बना सकते हैं। सारे फंदे खुल गए, अब आखिरी फंदा है, इसको उल्टा बना लिया। ये देखिए ये डिजाइन आना शुरू हो गया है। ये दो सिलाई हो गई, तीसरी सिलाई उल्टी। इसमें सारी सिलाई उल्टी बनेंगी, सीधी कोई सिलाई नहीं बनेगी। पूरे प्रोजेक्ट में उल्टी उल्टी सिलाई है, सीधी नहीं है। ये सिलाई उल्टी कर लेंगे, तीसरी सिलाई है। टोटल ये चार सिलाई का पैटर्न है। तीसरी सिलाई हो गई, सॉरी ये आखिरी फंदा सीधा बनाया। अभी चौथी सिलाई है और उल्टी सिलाई है, इसको भी उल्टा बनाएंगे। चार सिलाई हो गई।
अब फिर से यही पैटर्न हमको रिपीट करना है। पहला फंदा सीधा बना लिया, धागा आगे लेके एक दो, फिर एक दो, ऐसे ही पूरी सिलाई बनाएंगे। आखिरी फंदा है, इसको सीधा बना लेंगे। अब ये उल्टी सिलाई आ गई है, पहला फंदा उल्टा, ये फंदा ऐसे बनाया और उतार लिया। पहले उतार के भी बना सकते हैं, उतार लिया और बना लिया, आपको जैसे इजी लगे वैसे आप कर लीजिए। मैंने पहले बनाया, उतार लिया, फिर बनाया, तो ये जो फंदा हमने डबल डबल धागा लिया था वो फंदा खुल जाएगा। जो खुल जाएगा तो नेट नेट नज़र आएगी। लेस डिज़ाइन है, इसको किसी भी शॉल में, स्टॉल में या मफलर में बहुत सुंदर बनकर आता है। दो सिलाई हो गई, उसके बाद दो सिलाई उल्टी उल्टी, सारी सिलाइयाँ उल्टी बनेंगी, इसमें कोई सीधी सिलाई नहीं है। अभी चौथी सिलाई है और उल्टी सिलाई है, इसको उल्टा बना लेते हैं। चार सिलाई पूरी हो गई, चार चार सिलाई का ये पैटर्न, इसको ऐसे ही बनाते रहिए। देखिए कितना सुंदर ये बनकर आ रहा है। बस यही चार चार सिलाइयाँ हमको बार बार रिपीट करनी है। और ये जो हमने बीच में दो उल्टी सिलाई ली है, दो तो ये डिज़ाइन की है, पैटर्न की, और जो दो उल्टी सिलाई ली हैं इनको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ज़्यादा इसको दो की जगह चार कर सकते हैं, अगर आपको गैप ज़्यादा देना। ये गैप की सिलाइयाँ हैं, ये डिज़ाइन और ये पैटर्न, तो बीच में जो गैप की सिलाई है आप इनको दो के बजाय चार कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको बनाइए बनाइए और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।